नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्वाण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। दरअसल आपको बता दें कि तीन बेटे, पुत्रवधु, दामाद, पुत्र का दोस्त, छह लोगों की मौत के बाद बूढ़े बेबस लाचार पिता सुभाष ने रो रोकर अपना दर्द एएसबी न्यूज चैनल को बताया। देखिए एक लाचार पिता किस तरीके से अपनी बात को कह रहा है। बताइए क्या बात हो गई थी, पूरी घटना कैसे हो गई? वो अपने पैसा ऐसा हमारे कई लड़ी से लेकिन ये सभी ने हमको पता लगो कि चुनाव जीत हुआ इनका है चल हमको मतलब हम तो हुआ गाँव में ऐसे धनवा सिंह जी पर समझो बाहर बाहर गए हमको सवेरे ये पता लगे तो गुरु वाले क्या हुआ फिर? आप अब रात में ये घटना हो गई, ये क्या बजे घटना है? घर से बाहर लेते हैं। तो क्या देखा आपने? उस समय भगे भूल भगे लगे यही काजे मर रख कई मिले आपने मार दिया क्या मारा था? कोई करता कोई पहले मतलब अब दर मतलब भूल कुछ स्थान नहीं हुए ना उसे कर दिए राम भूल की बात नहीं कुछ जमाना नहीं कभी उनका व्यवस्था थी कुछ नहीं है कभी वो हुई हम तो कौन कौन थे किस किस के साथ जो है ये घटना घटी है? मतलब तीन लड़का और एक बहू है बीच वाले लड़का। अच्छा एक दमाद एक फिरोजाबाद। वो फिरोजाबाद वाला लड़का कौन है? भाई बीच छोटे भाई लगुआ वो दोस्त है जी नहीं पड़ रहे उसके नहीं और कहीं लगुआ अलाउ करे कहीं की मान लिया आप अपने पैसा उसी को पाना है गुरराज माता ये शादी में उसकी माता के साथ आई हुए आते आते कौन कौन लोग घायल था? एक तो आप बच गए। वो घायल है क्या नाम है उसका? सुषमा। सुषमा वो घायल है और एक डोली खुदबाई की वो शादी। अच्छा अभी क्या हालत है उनकी? अब चंगा सी हालत बताई यार बोलन लगी तो पता लगे जब भी बोलन लगी। अच्छा किस हॉस्पिटल में? अब एक तो ध्यान नहीं डाल लूँगा ठीक है दावा ही डाल। अच्छा सारे भी लोग आ रहा है हुआ है मेरे का अनुभव बता। अच्छा आपके सगे तीन बेटे खत्म हो गए? खत्म हो गए एक दामाद दोस्त एक बहू। ये इतनी बड़ी घटना उस बच्चे ने की कैसे? ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही। उसने कुछ सुना ही नहीं तो सुना दिया किसी ने कुछ सुनाया तो कोई ने चिल्ला दी तुमने सुषमा के द्वारा जानकारी हो रही कि कुछ पेप्सी में पिला दिया था ऐसा कुछ है क्या? आपने नहीं किया था? नहीं ऐसा तो पिलाई तो है छोटी भाई लगवा ने कहीं तो बढ़िया नहीं बन रही है। हाँ और लोगों ने पी हुआ जानकारी का तो अच्छा आपने कुछ नहीं खाया पिया था? होने तो नहीं खाया। अरे पहले कोई नशा वगैरह करता था? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिमाग से कमजोर था क्या? दिमाग तो अब ऐसे ही है क्योंकि बोल बढ़िया नहीं बोलते बढ़िया था। अच्छा नहीं बोलता
बोली नहीं बढ़िया थी, वैसे कोई चक्कर परेशान नहीं होते भाइयों से, कोई न भाइयों से कोई ऐसी बात मम्मी वगैरह से नहीं, वो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मन लिया रुको पूरो तो मम्मी ये सब कह सकते तू पूरी बहुत बात आ गया तो कह सकते तू किसी गड़ा नहीं किया। अब घर में कोई नहीं रहा, परिवार पूरा उजड़ गया, कोई कर्जे वगैरह की कोई बात थी? कर्जा वगैरह लिया मकान का, कोई कर्जा मकान लोन दिल गया था या नहीं? नहीं अभी नहीं। 3 लाख लोन है, किस बात का लोन है? जाने साहब सोचा करें कंप्यूटर वाली मशीने खरीदी। ये कहाँ नौकरी करते थे? नोएडा। नोएडा क्या करते थे? यही अपनी मशीनें लगाए थे, आपको बता दें कि खरीदी थी। अच्छा, सोचा कि ये थी खरीदने घर डाल देगी। अच्छा, बच्चे क्या हैं इनके? एक बिटिया है। कितनी उम्र होगी? बिटिया हुए 3 साल की। 3 साल लगवा 4 महीना 3 महीना 3.5। क्या मानते हो आप इसे, जो बच्चे ने कांड किया है, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, पूरा घर था आज नष्ट हो गया, क्या मानते हो आप इसे? मेरी बहू व्यवस्था या चोरी चार बहू अगर बचिया तो हम चार ऐसे ही बच्चा कहेंगे हम, तो अगर बहू वही सुरक्षित हो गए तो जैसू का शुक्र है कैसूगा हम लोग नहीं व्यवस्था। बूढ़े का सहारा बेटा होता है, या जो बुजुर्ग हैं उनके सहारा बेटा होता है, बेटा बहुत बड़ी ताकत होती है। जब नहीं है तो बहू नहीं है तो भाई सारा बन जाता है, जब बेटा नहीं है तो बेटा चलेंगे, अब बहू नहीं तो सोचे कमी बैठ फ्रेंड तो लिया इतना सारा ले करके, अरे हम तो टूट गए सब पर ये तो नहीं करें बहू भाई भाई परे परे सोचा रात को रोटी के देने वाला बहु भाई सही है कश्मीर कश्मीर भाई बच्चे पाले हम लोग चार लोग। अच्छा, आपकी वाइफ भी बच गई है, उनपे क्या प्रहार किया था? वे थिएटर करने चली गई, ये मौका ठीक नहीं। अच्छा, बिटिया थी बहुत लेट में गई मम्मी और बिटिया का नाम क्या है? बिटिया नाम है प्रियंका। प्रियंका तो बिटिया आपकी है? बिटिया वो ये दोनों लैटिन करने चलेंगे फिर वापस आई सर तो हाँ अब बात आई तो मान ले भी जब तक रहेंगे सब तक वापसी की हमारी गड़ी मिली है लोग। अब ये मान लो कि मान लो उसने जो है सबको मार दिया हाँ। तो खुद को गोली क्यों मार दी? अब ये बेटा कहा छक दिया मान दो तो भाई अब तक दिन हम पकड़े गए ये रहस्य की बात है। आदमी सोच रहा है कि जब इतने लोगों को मार दिया है कोई वजह नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और उसके बाद खुद भी मार लिया, तो एक ये रहस्य है कि ऐसा तो नहीं कहीं किसी ने कोई अटैक वगैरह किया, ऐसा कोई आपको लगता है क्या? कुछ कोई किसी का साजिश हो? कोई किसी की साजिश नहीं। ये सोची समझी उसी बेटे की चाल है, बेटे ने जो कुछ किया है जो कुछ किया वो बेटे ही बाकी आदमी ने कुछ नहीं किया। हम सारे किसी के बेटे इतने संपर्क ही हैं कि यह दो चार हो जाए बात नहीं, शायद है जितना नातेदारी जहाँ है तहाँ तक पूरे पूरे गाँव वाला पूरे पूरे गाँव का संपर्क है पूरी आ चुकी। आज आपके यहाँ कोई आ रहा है क्या? आज भी यहाँ सही कभी आ गए अकली सुनिए बताई अकली
अच्छा फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।